सच्चे दरबार की जय, बोल सियापत रामचंद्र की जय। तम पर पूरन काम जान सरो मन भाव प्रिया, जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। असा काहे राही चरण गहिरानी, प्रेम अंकजनु गेरा समानी, सोने सनेह सानी बरवानी, बहुविध राम साजो सनमानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तो राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रमाण बहोरी भोरी, पाए अजीत बहोरे से रुनाई, भाई न सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मान जो मधोर मूरते और वही सने हसे तेल सभोरानी, पोने धीर जो धारे को अरे अंकारी, बार बार भेंट ही में तारी। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुंचा बाहे फेरे मेला बहोरी, बड़ी परस पर प्रीत न दोरी, पुने पुने मेला तसके न बेलगाई, बाल बच्चा जे में धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं, परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उनके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। तो प्रेम विवश नर नारि सबो सखि न सहि तरन वास, रामा सखि न सहि तरन वास, मानव कीन विधेय पुर करुणा विरह निवास। सियावत राम चंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनवास प्रेम के विशेष बस को हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया। तो सुख सारे का जान की जाए, कनक पिंजर में साथ रखाए, व्याकुल कहीं कहां वे दे, सुने धीरज परिहरण के ही। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वो व्याकुल होकर कह रहे हैं वैद्य ही कहां है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। तो भाई बेकल खग मृग ए वाती, मनुज दशा कैसे कही जाती,
बंधु समेत जन कुतव आए, प्रेम उमग लोचन जल जाए। जो पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए तो मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। तो सिया बिलो के धीरता वागी रहे कहावत परम विरागी, लीन राय और राय जानकी मिटी महामर जाद ज्ञान की। तो वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के भाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। तो समुझावत सब सचिव सयाने कीन विचार नाव सर जाने, बार ही बार सुतावर लाई सज सुंदर पाल की मगाई। सब बुद्धिमान मंत्रियों ने समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। तो प्रेम विवश परिवार सब जाने सुलगन नरेश, रामा जाने सुलगन नरेश को अरे चढ़ाए पालकिने सुमरे से दिन नरेश जियावत राम चंद्र बद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। तो बाहुवे देवो पसुतारे धरम को लरी दासी दास दिए बहुते रे सोच सेवक जे प्रिय के रे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। तो सिया चलत व्याकुल पुरवासी होए सगुन शुभ मंगल राजी, भूसुर सचिव समेत समाया संग चले पहुँचावनी राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। तो समाया बेलो के बाजने बाजे रथ गज बाजे बरात निजाजे, दशरथ वे प्रबोले सबलीने दास मान परे पूरन कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे, बरातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। तो चरण सरो जय दूर धरे मुदित महीपते पाए अजीला, सुमेरे गजाननु कीन पयाना मंगल मूल सगुन वैनाना। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया।
मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। तो सुर प्रसून वर जय हरसे करे अभुजरा गान रामा करे अभुजरा गान चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाए निशान सियापति राम चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दर्शर जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। तो नृप कार्य विनय महाजन फेरे सादर सकल मागने तेरे भूषण वसन वाज गजदीने प्रेम पोषे ठाणे सब गीने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्टि करके सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। तो बार बार वेरला बलिवासी फिरे सकल राम और रागी बहोरे बहोरे कौशल पति कही जनक प्रेम बस फिरे न जाही। वे सब बारंबार वृंदावली कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। तपोने का भूपते बचन सुहाए फिर अमही सदूर बढ़ाए राव बहोरे उतारे बैठारे प्रेम प्रवाह विलोचन वाड़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे राजन बहुत दूर आ गए अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतर कर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ गया प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी वचन स्नेह सुधा जन गोरी करौ कवन वेदे विनय बनाई महाराज मोहि दीन बड़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले कि मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। तो कौशल पति समधि सजन जन माने सब भात रामा जन माने सब भात मिलने परस्पर विनय अति प्रीति निर्दय समाज सियावत राम चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। तमोने मंडले हैं जनक से रुनावा आशीर्वाद सब है जनवावा सादर पौने भेंटे जामाता रूपशील गुण ने दे सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सुनवाया
और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूप शील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। तो जोरे पांकारो हपाने सुआए बोले बचन प्रेम जनु जाए राम कराऊं के ही बात प्रसन्नसा मुनि महेश मन मानसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हूं। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। तो करें जो होगा जोगी ये लागी को ममता मृदु त्यागी व्यापक ब्रह्म अलग अविनाशी चिदानंद निरगुण गुण राजी। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्व व्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है, तो मन समेत जे जानन वानी तरके न सके सकल अनुमानी महिमाने गमुने ते कहि कहि तेऊं काल एक रस रही। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती, सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्क नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वदा निर्विकार रहते हैं। तो मांगल बाबा न अमांगल अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, कमेंट बॉक्स में जय सियाराम लिखें। बोलो जय सियाराम।